वेलकम 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 ऑल ऑफ यू इन टुडेस कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अनोखा प्रोग्राम जिसमें हम गेम तो खेलेंगे ही, एंजॉय भी करेंगे, साथ में लर्निंग्स रहेगी, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिलेगा और प्रॉपर डायरेक्शन में हम कैसे आगे बढ़ पाए लाइफ में। हमारे फैमिली को अगर हम साथ में लेके बैठते हैं तो उनका भी नॉलेज कैसे गेन हो पाएगा, कैसे अलाइन हो पाएगा आपके फैमिली के वाइब्रेशंस, इसका भी ये केबीसी में ध्यान रखा गया है। सो जरूर से अपने फैमिली के साथ में, मेंबर्स के साथ में भी ये प्रोग्राम को अटेंड करिएगा। ईच एंड एवरी वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 8 PM टू 9 PM ये केबीसी के राउंड्स रहने वाले हैं, जिसे कोई भी अटेंड कर सकता है विदाउट पेइंग अ सिंगल रूपी। ये टोटली फ्री रखा गया है और आप किसी को भी इसमें इन्वाइट कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं रहने वाली है। यू कैन इन्वाइट एनी वन फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, लेकिन उनको पता रहे प्रोग्राम के बारे में, कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या रहेगा ये। सो यस, बी रेडी फॉर द केबीसी। एंड यस, सो स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सीट पे बैठना चाहता है आज, जल्दी से कमेंट करके बताइए। Who want to be on the hot seat? फास्ट कमेंट करिए। I want to see the comments. परेशान जान के सर बोल रहे हैं, भाई साहब मैम बोल रहे हैं, चंद्रकला मानकर, सुनिंदा मंडल, दीक्षा उके, आरती कलोरा मैम, दिलीप रावल, तृप्ति मल्होत्रा, ज्योति कुंदु मैम, यस, गुरप्रीत कौर मैम, विवेक पटेल, राजेश तामरेकर सर बोल रहे हैं, यस, बाकी लोग हॉट सीट पे बैठना अगर नहीं चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई आप क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज, टुडे यू ऑल विल बी ऑन हॉट सीट, डोंट वरी। यस, मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आए थे कि सर हमें आज हॉट सीट पे रखिएगा, सो डोंट वरी, हॉट सीट पे तो आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा, लेकिन आज का दिन आप सभी लोग हॉट सीट पर बैठ पाएंगे, इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। सो मूविंग फॉरवर्ड, केबीसी के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। आने वाले दिनों में, आज तो आपको यूट्यूब के ऊपर हमें नहीं मिल पाया वीडियो, लेकिन रेगुलर वीडियोज केबीसी के क्वेश्चन के आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं, वहीं पर ही आपको आंसर करना होगा और उसके बाद में आप क्वालिफाई हो पाएंगे। जो इसके मेन सेमीफाइनल्स रहेंगे, जो बड़े राउंड्स रहेंगे, जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर में रहेंगे आने वाले दिनों में, उसकी तैयारी आपको करना है अगर, तो आपको डेली क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। कल आपको केबीसी के बहुत सारे वीडियोस कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर में, उसका लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा या आप उससे कोई भी पार्टिसिपेंट से मांग सकते हैं ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और जो फाइनल राउंड्स रहेंगे, यस, जिसमें पूरा मनी मैनेजमेंट के ऊपर में रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का केबीसी, उसमें आपको हॉट सीट के ऊपर में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे 5 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको हॉट सीट के ऊपर में बैठने का मौका मिलेगा और जिनके साथ में कंटिन्यूसली इंटरेक्शंस रहेंगे, उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो सवाल रहेंगे मनी मैनेजमेंट को लेके, स्पेसिफिक टॉपिक को, उनको पूरा आंसर दिया जाएगा। बाकी ऑडियंस को आंसर नहीं दिया जाएगा। यस, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, तो ये रूल्स रहने वाले हैं फ्यूचर के। लेकिन आज जो है वो सिंपल रूल है, स्क्रीन पर आपको ऊपर के बॉक्स के अंदर में हर बार एक सवाल दिखाई देगा जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। सो आर यू रेडी? यस, क्या आप सभी लोग रेडी है? आर यू एक्साइटेड? ओपन योर वीडियोस फास्ट, ईच एंड एवरी वन, आई वॉन्ट टू सी योर वीडियोस। यस, आई वॉन्ट टू सी योर वीडियोस फास्ट, ओपन योर वीडियोस। Open your videos fast, fast, fast. And here is the first question of today in KBC in front of you. टी हार्विकर के अनुसार हम अपनी मनी ब्लूप्रिंट को कौन से फॉर्मूले की मदद से
बदल सकते हैं। आई रिपीट, टी हार्वेकर की जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, उसके अनुसार हम अपनी मनी ब्लूप्रिंट को कौन से फॉर्मूले की मदद से बदल सकते हैं। एंड हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्मार्ट फॉर्मूला, ऑप्शन बी TFAR फॉर्मूला, ऑप्शन सी स्पिन फॉर्मूला एंड ऑप्शन डी गोल फॉर्मूला। सो यस, टी हार्वेकर की जो बुक है उसको अगर आपने रीड किया होगा तो यू कैन नो द आंसर्स। एंड यस, जिसको नहीं पता है डोंट वरी, यू विल गेट द रियल आंसर, क्या है इसका आंसर और क्यों इसका रियल आंसर ये है। सो आई वॉन्ट टू सी योर कमेंट्स फास्ट, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। टी हार्वेकर के अनुसार हम अपनी मनी ब्लूप्रिंट को कौन से फॉर्मूले से बदल सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पूरा पब्लिक ओपिनियन है, दैट इज करेक्ट एंड द आंसर इज बी TFAR। यस, और इसे मैं शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो थॉट्स है वो हमारे फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है वही एक्शन हम लेते हैं और उससे हमें रिजल्ट्स आते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए वेरी शॉर्ट में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट जिसको बहुत अच्छे से इसके आंसर के ऊपर में कमांड है। यस ज्योति कुंदू मैम, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट, व्हाट इज द रीजन TFAR फॉर्मूला कैसे काम करता है, वेरी शॉर्ट इन ब्रीफ। Thoughts, जैसे सर ने बताया, thoughts leads to feelings, feelings leads to action and action leads to results. कोई भी चीज पहले mind में बनती है, उसके बाद ही वो result बनेगा। जिस तरह से हम construction में देखते हैं कि कोई भी building अगर तैयार होनी है तो सबसे पहले जो design है वो architect के mind में बनता है, फिर वो paper पे आता है, वो feelings के साथ में जब वो उसको तैयार करता है तो उसके बाद वो बनती है बिल्डिंग, और वो रिजल्ट तैयार होकर हमारे सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रेडी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी थॉट से ही रिलेट करती हैं, कोई भी रिजल्ट जो है वो थॉट से ही आएगा। तो इसके लिए TFAR इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो पीटी बाय टू ज्योति कुंदू मैम। एंड यस, हमारे जितने भी थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर में, वो पैसों को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, कोई भी चीज को लेकर क्यों ना हो, सबसे पहले थॉट्स आते हैं, और थॉट्स के साथ में सेकंड फीलिंग्स रहती है, इमोशंस आते हैं। कोई भी थॉट हो, कार परचेस करना है, बंगलो लेना है आपको, 50 crore का मैंने असाइनमेंट दिया था, तो सबसे पहले थॉट दिया, थॉट के साथ में फिर आपकी फीलिंग आई, फीलिंग के बाद में आपने एक्शंस लिए, यस उसको बनाया पूरा स्ट्रक्चर को, और फिर आपको रिजल्ट दिखा कि यस मैंने पूरा 50 crore का पूरा बैलेंस शीट बना ली है। और लाइफ में आप जब भी कोई भी काम करते हो, कोई भी काम आज तक के आपने किया है, तो सबसे पहले विचार आया है, उसके साथ में फीलिंग्स आई है, और फीलिंग के बाद में एक्शंस आपने लिए और उससे रिजल्ट आया है। सो यस, इसके ऊपर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आने वाले समय में जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में काम करेंगे तो हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, लेकिन अभी KBC 1 घंटे का ही है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the second question in front of you. नीचे दिए गए ऑप्शंस को मनी ब्लूप्रिंट का जो फॉर्मूला है उसके क्रम अनुसार लगाए। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है। सो हियर आर द ऑप्शंस। आपको कमेंट करके नीचे चैट बॉक्स में जूम के अंदर में लिखना है। सो ऑप्शन ए थॉट्स, ऑप्शन बी एक्शंस, ऑप्शन सी रिजल्ट्स एंड ऑप्शन डी फीलिंग्स। सो जल्दी से इसको अपने फॉर्मूले के क्रम अनुसार लगाइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो जितने लोगों ने भी कमेंट किया है लगभग सभी का आंसर करेक्ट है, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, थॉट्स फीलिंग्स यस देन एक्शंस एंड देन रिजल्ट्स कम। सो ये बात को पूरा ध्यान रखिए और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। लोग पहले एक्शंस लेते हैं, सोचते नहीं है। यस, तो पहले सोचिए, समझिए, उसके साथ में आपका फीलिंग कितना ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है, दिल क्या बोल रहा है, दिल की आवाज भी सुनिए, उसको समझिए, फिर उसके बाद में एक्शंस लीजिए, आपको रिजल्ट्स गारंटी से आएंगे। TFAR फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, बहुत डिटेल में हम आने वाले समय में इसके ऊपर में काम भी करने वाले हैं। सो नाउ हियर इज द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ में, एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। अगर आप पैसा ये सोचकर बचा रहे हैं कि पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा, तो आपका भविष्य कैसा होगा? आई रिपीट, अगर आप ये सोचकर पैसा बचा रहे हैं कि पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा, तो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य कैसा होगा? इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और आपको ऑप्शन पूरा मैसेज नहीं करना है, ए बी सी या डी, ये आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है। सो हियर इज द फर्स्ट ऑप्शन, मेरा भविष्य सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ये सोचकर भी लोग पैसा बचाते हैं कि यस, मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा, मेरे फैमिली का फ्यूचर सेफ रहेगा। अगर आपका ऑप्शन ए है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑप्शन बी, मेरे जीवन में बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये सोचकर भी लोग ये माइंडसेट के साथ में पैसा बचाते हैं। ऑप्शन सी, मैं इस तरह से कुछ तो सेविंग कर पाऊंगा, ये भी लोग सोचते हैं। एंड ऑप्शन डी, मैं पैसा भी उतना ही कमा पाऊंगा और बुरा वक्त जरूर आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप पैसा ये सोचकर बचा रहे हैं कि पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? ऑप्शन ए बी सी एंड डी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। साउंड की चिंता मत करिए, आपको कमेंट करना है आपके आंसर्स को। ओके, कुछ लोगों ने ए टाइप किया है, मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ऑप्शन बी किसी ने टाइप किया है, मेरे जीवन में बुरा कभी नहीं आएगा। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, सभी लोगों ने सभी आंसर्स को टाइप किया है, बट व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? कितने लोग एक्चुअल आंसर इसका सच में समझना चाहते हैं? ओपन योर वीडियोस, यस, सो दैट आप लोग रेजोनेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, और मैं आपकी आंखों में देख के समझ पाऊंगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सो ईच एंड एवरीवन, प्लीज ओपन योर वीडियोस। फिर से सवाल को ध्यान से देखिए, समझने की जरूरत है, और ये हमें एक मिडिल क्लास से ऊपर जाने देते नहीं है, ऐसे थॉट प्रोसेस। अगर आप पैसा यह सोचकर बचा रहे हैं कि पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा, तो क्या होगा दोस्तों? वो बुरा वक्त जरूर आएगा, आएगा ही बुरा वक्त। बीमारी आ सकती है,
आपको हो सकती है, फैमिली को हो सकती है, कोर्ट कचहरी में आपका समय बर्बाद हो सकता है, ऐसे जगहों पर आपका पैसा जाएगा जो पूरा वक्त जरूर लेकर आएगा। इसके उलट जितने अमीर कामयाब लोग हैं वो क्या सोच के पैसा बचाते हैं कि मेरा समय अच्छा आएगा, मैं पैसों को लेकर एंजॉय करूंगा, फैमिली के साथ में अच्छे दिन मेरे आएंगे और बहुत बढ़िया लाइफ जीऊंगा। ये माइंडसेट के साथ में अमीर लोग काम करते हैं। अमीर लोग ये सोचकर कभी पैसा ना बचाते हैं ना सोचते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। जो चीज को आप लाइफ में अट्रैक्ट करोगे वही रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है। आर यू गेटिंग इट? सो इसके चार ऑप्शंस थे और बिल्कुल रियलिटी है ये। हम ये सोच के पैसा बचाते आए हैं अभी तक के कि फ्यूचर सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम अगर आ गई तो पैसा काम आएगा। यस, मेरे लाइफ के अंदर में जब भी बुरा वक्त आएगा तो मैं उसको काम में ले पाऊंगा और या तो मेरी कुछ ना कुछ तो सेविंग हो जाएगी भले बुरा वक्त नहीं आए। तो जब आपने बुरे वक्त को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है, माइंड के अंदर में फीलिंग है, थॉट्स फीलिंग एक्शंस रिजल्ट, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे थॉट्स रहेगी वैसे ही फीलिंग्स आएगी, वैसे ही एक्शंस लोगे आप और वैसे ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? यस। सो ये केबीसी इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकली बदल पाए, ऐसे थॉट प्रोसेस के ऊपर में काम नहीं करे। क्लियर? सो आर यू एंजॉइंग इट? कमेंट करके नीचे बताइए फास्ट। आर यू रियली एंजॉइंग? रियली एंजॉइंग टाइप करिए। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए केबीसी को अटेंड कर रहे, जो नहीं है एटीसी का पार्ट या अभी तक के अटेंड नहीं किया था वो भी टाइप करिए फर्स्ट टाइम। सो ये क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर यही है। अगर आप पैसा ये सोच के बचा रहे हो कि पैसा आपके बुरे वक्त में काम आएगा तो आपका भविष्य कैसा होगा, एक्चुअल आंसर है। अगर आप ऐसा सोच के करोगे काम पैसा बचाओगे तो एक्चुअल आंसर इज आंसर डी, मैं पैसा भी उतने कमाऊंगा और बुरा वक्त जरूर आएगा, गारंटी से आएगा और वही होते आया है। यस। सो ये सोचकर पैसा बिल्कुल मत बचाइए कि बुरे वक्त में काम आएगा। यस, प्रिकॉशंस तो हमको रखना है लेकिन ये सोच के कमाने कि मेरी लाइफ बहुत शानदार बनेगी, मैं बहुत कामयाब बनूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में मनी बिलीफ को जब हम कनेक्ट करते हैं रिजल्ट्स भी हमारे फेवर में वैसे आते ही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अमीर और कामयाब बनने से रोक रही है? ऑप्शन ए, मेरी पैसों के बारे में मेरा अब तक बना मनी ब्लूप्रिंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पैसा आता तो है, पैसा आता है तो दिमाग आता है इसलिए पैसों की कमी। तो समझिए क्वेश्चन को, उसके आंसर्स को भी समझिए, ऐसी कौन सी चीजें जो हमें अमीर और कामयाब बनने से रोक रही है? तो पैसों की कमी है, ऑप्शन बी का मतलब कि पैसा आता है तो दिमाग भी आता है इसलिए पैसों की कमी मुझे कामयाब होने से रोक रही है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए है, मेरी पैसों के बारे में मेरा अब तक के बना हुआ मनी का ब्लूप्रिंट मुझे कामयाब और अमीर बनने से रोक रहा है। ऑप्शन सी, लेट मी सी, ये फैमिली प्रोग्राम जरूर है लेकिन मेरी फैमिली को अटेंड करने का परमिशन नहीं है। सो ऑप्शन सी इज हियर और ये रियलिटी है, लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है देखा है कि मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं और इसीलिए मैं कामयाब और अमीर नहीं बन पा रहा हूं, नहीं बन पा रही हूं। सो ऑप्शन सी अगर आपका है तो आप सी टाइप कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी, मेरे घर का मेरे आसपास का माहौल और वातावरण। सो ये क्वेश्चन बहुत सीधा सा सिंपल सा है और इसका
आपके साइकोलॉजी के साथ में पूरा कनेक्शन है। क्या आंसर सही है डजंट मैटर, आपके मन में बचपन से अभी तक के दिल में कौन सा आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शंस लिए है। सो प्लीज वही आंसर करिए जो आपने अभी तक किया हुआ है। सो आपके सामने है और आपका समय स्टार्ट होता है अभी। यस, जल्दी से आंसर करिए। जो आपने अभी तक के किया है लाइफ में वो आंसर करना है। दिमाग का यूज मत करिए, दिल का यूज करिए। ओके, टाइम्स अप। यस, सो मैं देख पा रहा हूँ काफी स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे केबीसी के अंदर में और वो सही आंसर दे पा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज आंसर ए। आपका मनी का जो ब्लूप्रिंट है, जो आपका पूरा ब्लूप्रिंट बनता है, वो है आपके लाइफ के अंदर में। आप अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, दोनों के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके मनी का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको गरीब बनाने के लिए बना हुआ है, तो आप गरीब ही बने रहोगे। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो, कितने भी अच्छे रिलेशन हो आपके साथ दुनिया के, लेकिन वो ब्लूप्रिंट पैसों का आपको गरीब ही बना के रखेगा, मिडिल क्लास ही बने रहने देगा। और अगर आपका ब्लूप्रिंट सही अलाइंड है तो आप पैसे वाले बनोगे ही बनोगे। यस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने बी सी डी भी टाइप किया हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले केबीसी के राउंड्स। और जो ए टाइप कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए रियलिटी में हमारा मनी ब्लूप्रिंट जो है वो हमें अमीर बना रहा है। सच में आंसर ए है क्या? करेक्ट आंसर मैं नहीं चाहता हूं, आपका आंसर चाहता हूं। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड योर आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे। नो बडी इज वॉचिंग आप सही आंसर दे रहे हो कि गलत आंसर दे रहे हो। नो, आपके दिल में अभी तक के ऐसे कौन से लाइफ में सिचुएशंस आए हैं और उस पर आपने कैसे रिएक्ट करा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दीजिए। जानता हर कोई है, करता कोई नहीं है। सो जानने से करने के बीच का जो गैप है वो अगर आपको खत्म करना है तो आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि एक्चुअल में मुझे पता तो है, लेकिन एक्चुअल में मैं जब ऐसी सिचुएशंस आते हैं तो ये ऑप्शंस के ऊपर में ही जाती हूं या जाता हूं, ये बात का ध्यान रखिए। क्लियर? यस, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने पैसों के विचारों को, अपने मनी थॉट्स को किस तरह से बदल सकते हैं? यस, आप अपने पैसों के विचारों को, अपने मनी थॉट्स को किस तरह से बदल सकते हैं? आई रिपीट, क्योंकि हमारे जो मनी थॉट्स है उससे हमारे को फीलिंग मिलती है, फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग से ही हम लाइफ में एक्शंस लेते हैं और वैसे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपके पैसों के बारे में जो विचार है उसको हम अगर वो प्रॉपर नहीं है तो कैसे बदल पाएंगे? यस, इसके ऊपर में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं। चार ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। यस, सो हियर आर द फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शन ए, मनी ब्लूप्रिंट तो पता चल गया, हमने बढ़िया उसको लिख लिया, तो रोज उसकी आरती उतार के हमें अपने पैसों के विचारों को बदलने में फायदा मिल सकता है। ऑप्शन बी, डेली केबीसी में भाग लेकर मनी मेडिटेशंस और अफर्मेशंस को करने से हमारा मनी थॉट्स को बदला जा सकता है। ऑप्शन सी, अपने थॉट्स को मन के अंदर आने ही नहीं देंगे। यस, ये हो सकता है जो कि इम्पॉसिबल है। एंड ऑप्शन डी, मनी ब्लूप्रिंट का टी एफ आर फॉर्मूला
तो फ्रेम बना के घर के हमारे ड्राइंग रूम में लटका देंगे और उससे हमारे मनी थॉट्स बदलने लग जाएंगे। यस, थोड़ा फनी है आंसर, लेकिन इन फ्रंट ऑफ यू समय स्टार्ट होता है आपका भी। Yes. So, dear participants, आपने लगभग बी आंसर दिया है। That's why a KBC आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि आपका जो थॉट पैटर्न है, मनी को जो लेकर बिलीव्स है, जो एक्शंस आप गलत लेते आए हैं, उसे करेक्ट कर पाए आप सभी लोग। Yes, कुछ लोगों ने डी का भी आंसर दिया है। आप कितने भी फ्रेम बना के लटका दो, उसको इंप्लीमेंट हम नहीं करने वाले हैं। कितने सारे गोल चार्ट, विजन बोर्ड हमने बना के रखे हुए हैं, उसमें से कुछ चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर बात इम्प्लीमेंट करने की हो रही है। विजन बोर्ड तो बनाया है, लेकिन उस पर हमने एक्शंस कहाँ लिए हैं? यस, सो जब हम अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप कमेंट करिए। कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है, वो ऐसे बैठे हुए, नहीं मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं तो देखूंगा। अरे भाई साहब, आप अपने लाइफ में अगर अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन के सीरियल को देख के मुझे नहीं पता कितने लोग करोड़पति बनते हैं या कितने लोग बने हैं अभी तक के, लेकिन आई गारंटी यू, अगर आप ये केबीसी के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मनी ब्लूप्रिंट बदलते हैं, अपने मनी बिलीफ्स को बदलते हैं, मनी मैनेजमेंट को एक्चुअल में सीखते हैं, लायबिलिटीज असेट्स को पूरा अच्छे तरीके से, उसके आने वाले समय में असाइनमेंट्स मिलेंगे उसको पूरा करते हैं, अपनी नेटवर्थ को बनाने में काम करते हैं, आने वाले 4-5 सालों में, आने वाले 8-10 सालों में गारंटी आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे, ईच एंड एवरी वन, गारंटी के साथ। ये मेरी गारंटी है। यस, सो ये केबीसी में हर एक पार्टिसिपेंट करोड़पति बन सकता है, ये गारंटी है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप एक्शंस लोगे। यस, तो ये बात का पूरा ध्यान रखिए कि इसके अंदर में आप पूरे दिल के साथ में पार्टिसिपेट करें। और मैंने तो आपको परमिशन दे दिया है 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपने फैमिली को लेकर बैठिए। ATC के भी पार्टिसिपेंट्स है, अपने फैमिली को लेकर बैठिए अगर पॉसिबल है तो। अगर बच्चा है जरूर से लेके बैठिए, अगर 12-14 साल के ऊपर का बच्चा है, पॉसिबल है उसको लेकर बैठिए। आप अगर अपने ब्लूप्रिंट को आज समझ पा रहे हैं, यस, काफी लोग हैं जो बहुत लेट ये नॉलेज को समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी पिछली 2 पीढ़ी को ये नॉलेज होता, जो कि नहीं है, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। लेकिन जितने अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, ये सारे सीक्रेट्स को समझते हैं। दे नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज देयर मनी एंड फाइनेंस, लेकिन हम नहीं समझते। कल हमने असेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर भी बात करी थी। असेट्स लोगों के पास में है ही नहीं, गुड लाइबिलिटीज है या बैड लाइबिलिटीज है, असेट्स तो है ही नहीं। सो असेट्स को क्रिएट करना अगर आप स्टार्ट करोगे, आपकी 1, 2, 3 कई पुश्तों तक के काम आएगा। हमारी जो पीढ़ी थी, हमारे फादर्स, फोर फादर्स, वो ये नॉलेज को नहीं समझ पाए, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे इंडिया के अंदर में, जो एक्चुअल में गुरुकुल्स थे, जहां पर एक्चुअल नॉलेज दिया जाता था, यस, वो सब तबाह कर दिए गए, ताकि इंडिया गरीब बन जाए, गुलाम बन जाए। मैकुलर सिस्टम लाया गया, ये सब गुरुकुल के अंदर में सिखाया जाता था, इसीलिए हमारा इंडिया इतना समृद्ध था, सोने की चिड़िया थी। और ये हमारा प्रयास है, और ये पूरा प्रयास ATC के जितने ट्रेनर्स, कोचेस रहेंगे ना,
सब करने वाले हैं कि इंडिया को फिर से हम समृद्ध बना पाए, सोने की चिड़िया बना पाए, और ये होके रहेगा और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं माय लवली कोचेस? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। और ये केबीसी सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स में डिजाइन करके देने वाला हूं हर एक ट्रेनर स्पीकर कोच को। आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट। ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है हमारी सबकी, हेल्थ, मनी, माइंडसेट, माइंड पावर, मेमोरी पावर, आपका कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। आप कैसे अपने लाइफ में, लोगों के लाइफ में बदलाव लेकर आ पाए, मुझे उससे फर्क पड़ता है। कितना रेजोनेट कर पाओ आप ये मिशन के साथ में। और मैं देख रहा हूं हमारे जितने लीडर्स है, जितने पार्टिसिपेंट्स है जो रेगुलर है एटीसी में, दे आर वंडरफुल लीडर्स। उनका जज्बा मुझे दिखता है, उनका विजन मुझे दिखता है। उनके स्किल्स कितने कम है डजंट मैटर, वो तो हो जाएगा, सीख जाओगे आप। सो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में क्रांतिकारी कदम हमने उठाया है, रिवॉल्यूशन है हमारे लिए। और आप सभी लोग ये रिवॉल्यूशन के साथ में जुड़े हैं, अगर तो टाइप करिए नीचे कमेंट बॉक्स में IMN, मैं हूं अंदर, IMN टाइप करिए, IMN फास्ट। तृप्ति मल्होत्रा इज इन, भाविसा मैडम इज इन, ऑफकोर्स वर्षा कावरिया, दीपक पाटिल, गुरप्रीत कौर, निशा सिंह, चंद्रकला मांतकर, प्रशांत लैंडगेसर, ज्योति कुंदू मैम, प्रभा देशपांडे मैम, यस, ईच एंड एवरीवन इज इन ऑफकोर्स। और बाकी लोग भी आ सकते हैं हमारी इस मुहिम में, हमारे इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इन्वाइट करिए लोगों को इस केबीसी के अंदर में। यस, इन्वाइट करिए, दिल से इन्वाइट करिए, 8 बजे से 9 बजे के बीच में इन्वाइट करिए। आने वाले समय में 8 बजे से 9 बजे सिर्फ केबीसी चलेगा, हो सकता है पूरे वीक के लिए हो जाए, मैं ट्राई करूंगा। यस, और उसे लीड करेंगे मेरे ट्रेनर्स कोचेस भी, कंडक्ट भी करेंगे, आई एम प्लानिंग फॉर दैट। लेकिन पहले आपकी मेहनत तो देखो, आपका कमिटमेंट तो देखो। यस, सो मुझे ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे प्लेयर्स चाहिए यहाँ पे। आई वॉन्ट प्लेयर्स, और प्लेयर्स मेहनत करते हैं। यस, प्लेयर्स तमाशा नहीं देखते हैं, ऑडियंस देखती है तमाशा। तो डोंट बी ऑडियंस। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर में, ये जूम के अंदर में दोनों लोग रहेंगे, प्लेयर्स भी रहेंगे और ऑडियंस भी रहेगी। ऑडियंस कितनी परसेंट रहेगी? 99%। प्लेयर्स कितने परसेंट होते हैं? 1%। सो ये मीटिंग का लिंक फ्री रहेगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, फ्री रहेगा टोटली। कल मैं सोच रहा था इसको चार्ज करूंगा, नो, इट विल बी टोटली फ्री, फ्री, फ्री। पूरा फैला दो जितना फैलाना है आपको, और रेडी हो जाओ। यस, लेकिन उसके लिए शिद्दत से काम करना पड़ेगा। सो मैं यूट्यूब के ऊपर में, जहां पर आप चाहोगे, जहां पर आपके आइडियाज काम करेंगे, मुझे बताइए, हम उस तरीके से काम करने वाले हैं। सो सुनंदा मंडल रेडी हो जाइए, सुनील तंडी रेडी हो जाइए, यस, राजेश ताम्रकर सर रेडी रहिए, भाविसा मैडम रेडी रहिए, ज्योति कुंदू मैम तो रेडी है ऑलरेडी, तृप्ति मैम ऑलरेडी रेडी है, निशा सिंह बी रेडी, यस, रोशन आप भी रेडी हो जाइए, चंद्रकला मानकर बी रेडी, वनिता जिंदल बी रेडी, दीपक पाटिल सर, प्रशांत लांडगे सर, ओम प्रकाश, डॉक्टर विभा शर्मा, यस, वर्षा काबरिया, उषा वर्मा मैम, उमेंद्र बंसाला, धनुष, यस धनुष बी रेडी, यस, रश्मि मेहरा, प्रभा देशपांडे मैम, भाविसा मैडम, बाला साहेब राठौड़, राजन भत्तल सर, विपुल पांचाल, उषा वर्मा, पुष्पा मुल्तानी मैम, यस, यू ऑल आर जेवल्स। आप सब चमकने वाले सितारे हो, उसको तराशने की जरूरत है। और मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में, आपके नीस के ऊपर मैं गारंटी हूं। ये जो तैयारी है ना, ये बहुत बड़ी तैयारी है, छोटी तैयारी नहीं है। यस, शुरुआत तो हो गई है इस क्रांति की, लेकिन ये क्रांति बहुत दूर तक के ले जाना है। एक चिंगारी काफी है पूरे जंगल को जलाने के लिए। सो चिंगारी दिल में, वो पहले जला के रखो,
ये इंपॉर्टेंट है. वीडियो ओपन बोला है, करो वीडियो ओपन, ओपन करो, डोंट साय नेचर के बनिए मत. आप एक स्पीकर, आपका हैबिट, आपकी जो आदत है ना, वो आपको बनाएगी और बिगाड़ेगी. अगर आप सोच रहे हो कि भाई जब मैं एज ए ट्रेनर स्पीकर कोच अपना जूम मीटिंग कंडक्ट करूंगा तब अपना वीडियो ओपन करूंगा, तो ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जूम मीटिंग में वीडियो ऑफ रखना है, तो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे. प्रैक्टिस करो मैक्सिमम जूम मीटिंग में अपना वीडियो ऑन रखने की, बैकग्राउंड ऐसा रखने की कि ट्रेनर स्पीकर कोच दिखो. देखो ज्योति कुंदू मैम को, देखो भविषा स्वा मैडम के वीडियो को, तृप्ति मल्होत्रा मैम को, निशा सिंह को, यस भूषण को देखिए आप, भूषण शर्मा जी को, आरती फलोरा को देखो, ऋषिकेश पुल्लरवार जी को देखिए, वो अभी थोड़ी देर में बैकग्राउंड अपना और सेट करेंगे, दिखाएंगे आपको. सो जिनके वीडियोस ओपन है आप उनको देखिए, वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए. ये मनी का बहुत बड़ा रूल है, बी रेडी फॉर दैट. अगर आप क्रिकेट के फील्डर हो, अगर आपकी टीम है फील्डिंग पे लगी हुई है और आपको बाउंड्री के पास में खड़ा किया गया है कि अगर बॉल उधर आएगी तो आपको बाउंड्री को रोकना है या कैच पकड़ना है, आप कैसे बैठोगे, कैसे खड़े रहोगे वहां पे, ऐसे रहोगे, कैसे रहोगे, या ऐसे रहोगे रेडी, पूरी आंखें चौकन्नी, पूरी बॉडी अलर्ट, पूरा ऐसा रहोगे. बिकॉज हर बॉल जब हिट करेगा बैट्समैन तो आपकी तरफ हिट नहीं करेगा, लेकिन आप रेडी रहोगे. ये करना है जूम मीटिंग के अंदर में दोस्तों. आपकी हरकत, आपका लहजा आपको एक ट्रेनर, एक कोच बनाएगा. क्या दीवानेपन के साथ में हो आप कमिटेड ये इंडस्ट्री के अंदर में, तो आप एक ट्रेनर, एक कोच बनने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा. लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हो कि भाई जब मेरा टर्न आएगा, जब मुझे बोलना रहेगा, तो यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर इन द ऑडियंस. ये रियलिटी है, ये मनी का रूल है, रूल नंबर 6, 21 सीक्रेट्स है टोटल, जो मैं 4-5 साल पहले लेक्चर्स लेता था, पेड लेक्चर्स थे, यस, उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा. जब मुझे आपके कमिटमेंट दिखेंगे, वो पूरे 21 सीक्रेट्स को मैं कवर करूंगा, अभी नहीं करूंगा, यस, अभी नॉट एट दिस टाइम. पहले आपका कमिटमेंट दिखे, मैं आपको टीम में लू नहीं लू मुझे सोचना होगा. मुझे ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए जो ऐसे खड़े रहेंगे और वो बाउंड्री पे चले जाए बाहर. मुझे अलर्ट टीम चाहिए, फोकस टीम चाहिए. और आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, जितने भी ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में है, यू आर डूइंग वेरी वेरी स्मार्टली, बहुत सुंदर काम कर रहे हो आप, बहुत सुंदर. पूरे ग्रुप एक्टिव है आज, लगभग काफी मीटिंग्स हुई, जूम की प्रैक्टिस सेशंस हुए, सबने अपने पीपीटीज के साथ में अपने मोबाइल के ऊपर में अपने लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दी है, तो ये पूरी तैयारी जीत की है. कोई ऑडियंस नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, मुझे दिख रहे कि प्लेयर्स है पूरे. और जब प्लेयर्स रहोगे ना, हो सकता है अभी एक आधी मैच आप हार जाओ, प्रेजेंटेशन में कुछ अटक जाए, वॉइस क्लियर नहीं रहे, इंटरनेट बंद हो जाए, जूम ऑपरेट करना नहीं आ पाए, पीपीटीज नहीं बना पाओ. लेकिन अगर आप प्लेयर हो, अभी फील्डिंग कर रहे हो, बैटिंग आपकी तो आएगी ना, चौके छक्के तो आप भी लगाने वाले हो, सो आपकी भी बारी आएगी. लेकिन बारी तब आएगी जब मैदान में रहोगे. सो वीडियोस मुझे नहीं बोलना पड़े, मेरे मीटिंग में तो वीडियोस ओपन रखो बॉस. आपका कमिटमेंट मुझे दिखता है, आप लोग मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाते हो. कुछ लोग सोचते ना कि आपका नाम मैं नहीं ले पाता हूं, बाकी सबका लेता हूं. अरे लोग मेरे सबकॉन्शियस में जो बैठ गए उसका नाम बार बार निकलेगा, मुझे आप दिखोगे नहीं कैसे निकलेगा नाम. यस, जब मैं आइडियाज के ऊपर में काम करता हूं मुझे याद आता है, ज्योति कुंदू, तृप्ति मल्होत्रा, भूषण वर्मा, राजेश ताम्रकर, भाविशा साहब, क्यों आता है, बैठ गए यहां पे, बैठ गए क्योंकि वो बार बार दिखते रहते हैं. ये रोल है सबकॉन्शियस माइंड का. इंस्टॉल हो रहे हो आप लोग,
पर एक बार इंस्टॉल हो गए हो, मैं आपके बारे में सोचते रहता हूँ कि फिर ज्योति कुंतु मैम का ये टॉपिक है, माइंड के ऊपर में है, हेल्थ के ऊपर में, ये कैसा देगे, इसमें कैसा बेस्ट रहेगा। अच्छा तृप्ति मल्होत्रा मैम हैप्पीनेस के ऊपर में इतना बढ़िया बनाते हैं, अच्छा भाई साहब मैम गर्भ संस्कार के ऊपर में करते हैं, अच्छा रश्मि इसके ऊपर में करती है, अच्छा सुनील तंडी, अच्छा अच्छा भाई साहब मैडम के बाद में फिर ये मैंने देखा अतिरक्षित भट्ट सर हैप्पीनेस के ऊपर में लेते, अभी इंग्लिश के ऊपर में लिए, अभी हिंदी के ऊपर लेने वाले, हिंदी में कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर पीपीटी ऐसी नहीं होना चाहिए वैसी होना चाहिए क्लोजिंग में, ये मैं आपके अकॉर्डिंग सोचता हूँ बॉस जो मेरे यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, यस अभी तो धनुष एक, अभी ब्रह्मास्त्र का जब मैं पीपीटी बना रहा था आज दोपहर में तो धनुष रिलेट हो गया। सो ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं यू डोंट नो, धनुष का नाम भी ऊपर में आ गया आज क्योंकि धनुष ग्रुप नंबर 6 में सुपर एक्टिव है, पूरी टीम का फॉलो अप ले रहे हैं वो, यस सो धनुष का नाम ही ऐसा है कि वो ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड धनुष तना हुआ रहे, यस पड़ा हुआ नहीं रहे साइड में, ऐसा पूरा स्ट्रेट। सो यस माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको एक प्लेयर माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना है। यस मालिक मैत्री सर ने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दी है आज, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ही इज मालिक मैत्री, आया था मैं वहां पे, बहुत शानदार, क्योंकि उसमें जो साइकोलॉजी उन्होंने यूज करी है, कनेक्ट किया है ऑडियंस को, दैट वाज वेरी एग्जैक्टली जो चाहिए वो किया था उसके अंदर में। और भी कुछ चीजें हैं उसके अंदर, करेक्शंस रहेंगे, लेकिन करेक्शंस तो तब होंगे जब आपने कुछ किया। यस सो डोंट वेस्ट योर लाइफ, या तो ऑडियंस बन जाओ, और अगर प्लेयर बनना है तो प्लेयर बन जाओ और प्लेयर वाली हरकतें करो, ये ऐसी चीप हरकतें मत करो ऑडियंस वाली। हाँ कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंज है, नई वीडियो ओपन कर पा रहे समझता है कभी कभी, लेकिन जब डिसीजन ले लिया है कि यस मुझे ट्रेनर कोच बनना है, लाखों लोगों के लाइफ में बदलाव लाना है और लाखों करोड़ों में एक बनना है, यस एक मिडिल क्लास व्यक्ति बन के नहीं रहना है, एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीना है, तो फिर वैसी हरकतें करना पड़ेगा ना जो अमीर और कामयाब लोग हरकतें करते हैं, करिए वैसा। यस सो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, कितने क्वेश्चंस हो गए थे, 6 हो चुके थे, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर, यस 6 क्वेश्चन हुआ था, अभी 5th हुआ था। आप अपने पैसों के विचारों को, अपने मनी थॉट्स को किस तरह से बदल सकते हैं, सो यस डेली की बेसी उसके लिए आप मैं लेकर आया हूँ, और कुछ मेडिटेशन है पैसों के बारे में डिजाइन किए हुए हैं जो आपको समय समय पर एज अ गिफ्ट मिलने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। यस नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, कोई टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचे हैं, ऐसे में टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन डिजाइन किया है मैंने, कुछ अलग पार्टिसिपेंट्स भी है हमारे एटीसी के अंदर में, जो डीएक्टिव पार्टिसिपेंट्स है उनको भी ध्यान में रखा हुआ है, उनकी हरकतों को भी ध्यान में रखा हुआ है। यस कुछ है ऐसे लोग जिनके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिली है, सो डोंट टेक इट पर्सनली, आंसर्स ऐसे ही है जो आपको सोचने पे मजबूर करे, रिलेट करिए खुद के ऊपर में, अपने रिलेटिव्स अगर कोई ऐसा कर रहा है क्या, जरूर नहीं आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपका कोई रिलेटिव जो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है वो ऐसा कर रहा है, सो ऐसे लोगों से संभल के हमको रहना पड़ेगा। सो मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, काम धंधा नहीं चल पा रहा है, आपके वेबिनार्स नहीं चल रहे हैं, आपके प्रोग्राम नहीं चल रहे, वॉट एवर जो भी है, टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे, जो भी कुछ है रिलेट करिए, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए है, इतने ही बचे हैं, यस लॉकडाउन लग गया है, जो भी कुछ हो गया है, लेकिन पैसे नहीं है, अभी इनकम नहीं आ रही है, और 1 लाख रुपए फिर भी बचे हुए हैं, ऐसे में टेंशन को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, ऐसे में टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, एंड हियर आर द ऑप्शंस।
रोज शाम को दोस्तों के साथ बियर पियेंगे, चिल करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन बी, लाख रुपए है ना, तब तक के बढ़िया शान से घूमेंगे, फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, ऐश करेंगे। ऑप्शन सी, पैसे की पाई पाई संभाल के ऐसी जगह लगाएंगे जहां से मंदी में भी इनकम हो सकती हो। एंड ऑप्शन डी, भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि ये समय जल्दी से जल्दी बीत जाए। क्लियर? सो सोचिए समझिए, मुझे करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आप क्या करते हो ये आपको खुद को आंसर देना है। कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट गिव द रियल आंसर। पानी मिला था सो दोस्तों, सिर्फ मार्केट मंदा चल रहा है 1 लाख रुपए अकाउंट में, ये उस चीज की बात नहीं है। जब भी हम नर्वस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे लाइफ, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स आती है और हम कौन से एक्शंस लेते हैं, बात उस चीज की हो रही है। फाइनेंशियली हम गलत डिसीजंस तो नहीं लेते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे अलग ऑप्शंस के साथ में, कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, जो हम करते आए हैं हम उससे रिलेट करते हैं एक्चुअली में। यस, सो ये मेल फीमेल की बात नहीं है, ये सभी के लिए क्वेश्चन है, सभी के लिए ऑप्शंस है, रिलेट करिए, समझिए आप। यस, पूरा जो गेम है वो हमारे थॉट प्रोसेस का, थॉट के बाद में फीलिंग्स का, फीलिंग के बाद एक्शंस का है, और एक्शंस के बाद में ही रिजल्ट हमारे लाइफ में आते आए हैं। दैट्स व्हाई असेट्स हमारे लाइफ में कम है। असेट्स अगर बढ़ाना है, नेटवर्थ अगर बढ़ानी है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। अभी आपकी 2 साल की बच्ची है, उसके फ्यूचर और करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं? रिपीट, अभी आपकी अपनी खुद की 2 साल की बच्ची है, अज्यूम करिए अगर नहीं है तो भी करिए कि अगर आपकी खुद की 2 साल की बच्ची है तो उसके फ्यूचर को, करियर को ध्यान में रखते हो आप क्या करोगे, क्या सोचते हो आप? ऑप्शन ए, उसकी परवरिश पूरी शानो शौकत के साथ करेंगे, मेरी बच्ची जहां उंगली दिखाएगी वो चीज उसको लाकर देंगे, उसकी हो जाएगी वो चीज। ऑप्शन ए, ये इमोशंस रहते हैं हमारे अंदर, ये फीलिंग्स रहती है हमारे अंदर, रिलेट करिए कौन सी फीलिंग ज्यादा पावरफुल है आपके अंदर में। वो अपनी लाइफ खुद ही बना लेगी, मुझसे समय आने पर जो हो सकेगा वो मैं देखूंगा, ये ऑप्शन है बी। ऑप्शन सी, उसके लिए अभी से अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग करना शुरू कर देंगे ताकि उसकी पढ़ाई और शादी अच्छे तरीके से हो सके। एंड ऑप्शन डी, हर इंसान अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है, उसकी तकदीर में भगवान ने जो लिखा होगा वही होने वाला है। सो क्वेश्चन और उसके आंसर्स को ध्यान से देखिए, समझिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप। कुछ लोगों ने आंसर सी टाइप किया है, किसी ने ए टाइप किया है। यस,
क्योंकि वी आर इमोशनल बींग्स और इमोशंस के साथ में फीलिंग्स के साथ में हम जीते आए हैं। एक्चुअल आंसर सी होना चाहिए, अगर आप अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो बच्चे का एक्चुअल में फ्यूचर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर डिसीजंस लेना पड़ेगा। यस, जो बच्ची बोलेगी, बच्ची को नहीं पता है क्या बोलना है, कैसा उसका फ्यूचर अच्छा बन पाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे इन्वेस्टमेंट उसके रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसे उसका फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। अभी आप नहीं करोगे खर्चा चलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको खर्चा करना है। यस, मेरा नेफ्यू है, भतीजा है, उसको हमने एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया, कोई CBSE नहीं, कुछ नहीं, चाहते तो कर सकते थे हम दोनों भाई मिलके, लेकिन 10th तक के स्टेट बोर्ड एग्जाम उनको दिलाई महाराष्ट्र से। और अभी वो जहाँ पर अमिताभ बच्चन ने MBA किया है देहरादून में, वहां पे स्टडीज कर रहा है। यस, और अभी 10 लाख रुपए महीना भी अगर लगेगा, वी आर रेडी फॉर देट, क्योंकि ये है राइट टाइम उसके रियल एजुकेशन का। और जो संस्कार स्कूल में मिलते हैं वो तो मिलना ही है, CBSE में तो कॉम्पिटिटर क्या बनता है वहां बच्चा बोला नहीं जा सकता, अभी जो टीचर्स है स्कूल टीचर्स दे ऑलरेडी नो। सो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है उनके फ्यूचर को, किसी के बोलने पर नहीं जाना चाहिए हमने, लेकिन हमने समझना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। हम एक कार परचेस करते हैं, दुनिया भरी का उसका सर्वे करते हैं, बच्चे के लिए हम कहाँ सर्वे करते हैं, कहाँ समझ पाते हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स है, जो दुनिया में चल रहा है समझना है हमको, कैसा करना है, क्या करना है। सो ये बात का पूरा ध्यान रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी नई गर्लफ्रेंड स्पाउस, नई स्पाउस नहीं होती है, पुरानी अगर है तो पुरानी है, स्पाउस अगर नई लिखा है तो मतलब अभी अभी अगर शादी हुई है तो। यस, क्लियर करना चाहता हूं मैं, आपकी नई गर्लफ्रेंड या स्पाउस का बर्थडे जल्दी आने वाला है, आप उसे क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, वो जो बोलेगी उसको दिलवा कर दूंगा, चाहे कितनी भी महंगी चीज हो, कर्ज लूंगा लेकिन मोहब्बत निभाऊंगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उसके बर्थडे के दिन उसको एक शानदार होटल में सरप्राइज पार्टी दूंगा, 5-स्टार होटल में, और साथ ही डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा, वाइफ हो, हस्बैंड हो, स्पाउस हो, गर्लफ्रेंड हो, व्हाटएवर। ऑप्शन ए एंड बी आपने देख लिया है। नाउ ऑप्शन सी, मैं उसे एक ऐसी मोटिवेशनल बुक गिफ्ट करूंगा या ट्रेनिंग कोर्स गिफ्ट करूंगा जो उसकी लाइफ को बेहतरीन डायरेक्शन दे सके। एंड ऑप्शन डी, भगवान के मंदिर में उसके लिए पूजा रखूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वो जिंदगी भर खुश रहे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, काफी अलग अलग आंसर्स आए हुए हैं, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? नई गर्लफ्रेंड सबके लिए नहीं है वो क्वेश्चन? यस, जो अनमैरिड है उनके लिए है, और नई स्पाउस ऐसा मैरिड लोगों के लिए नहीं है, वो जो नए कपल्स है उनके लिए है वो, बाकी पुरानी स्पाउस पुराना स्पाउस चलेगा। यस, क्वेश्चन को रिलेट करिए। ओके, स्पाउस तो क्या मेरे बच्चों को भी हर बर्थडे पर बुक ही गिफ्ट में मिलती है मेरी तरफ से। सो नथिंग इज करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग। आपकी मनी पर्सनैलिटी कैसी है वो आइडेंटिफाई करिए आप। मैंने कल बताया था देर आर 4 टाइप्स ऑफ मनी पर्सनैलिटीज। एक साधु वाली है जो भगवान भरोसे बैठे है। यस, भगवान को रिलेट करते बहुत ज्यादा। एक है जिनको क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके पेरेंट्स और बाकी लोग देख रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट्स। एक है जो बहुत शॉपिंग करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, और एक होते हैं सेवर्स। सेवर्स मतलब जो बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खर्चा ही नहीं करते,
सो मनी पर्सनैलिटी होती है, बैलेंस हम कैसे कर सके हमको ये देखना है, समझना है। सुना, मूविंग फॉरवर्ड। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपके सोसाइटी में, क्योंकि आप एक ट्रेनर एक कोच है तो आपसे सलाह मशवरा लोग लेने आने वाले हैं, आपकी सोसाइटी में दो भाइयों के बीच जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर जोरदार झगड़ा हो गया है और नौबत कोर्ट कचहरी तक पहुंचने जा रही है, आप उन भाइयों को क्या सलाह देंगे? आप उन्हें कौन सी सलाह दोगे? ऑप्शन ए, दोनों भाई देखते बैठे, वो उनका पर्सनल मैटर है, सबका ठेका हमने तो नहीं लिया है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, उसमें जो मेरा दोस्त होगा जो मुझसे क्लोज होगा उसे सलाह दूंगा कि शहर के महंगे से महंगे वकील को हायर करे। ऑप्शन सी, उसमें जो मेरा दोस्त है उसे सलाह दूंगा कि बेकार कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, बेकार में पैसे और समय दोनों खर्चे करने से बचे। ऑप्शन डी, भगवान राम का एग्जाम्पल देकर दोनों भाइयों को समझाऊंगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो समझ के आंसर दीजिएगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके लाइफ में अगर ऐसी चैलेंज आती है तो आप क्या करते हो? यस, एक्चुअली में अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, लेकिन जो मनी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति रहेगा, मनी सेंट्रिक रहेगा, वो ऑप्शन सी देगा आंसर। यस, वो सही सलाह देगा कि भाई बेकार में समय और पैसा बर्बाद मत करिए, सुलझाइए अपने चैलेंजेस को, कोर्ट कचहरी नहीं अपने घर के अंदर में सॉल्व होना चाहिए। और भगवान राम का एग्जाम्पल देकर दोनों भाइयों को समझाएंगे, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, ये आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। सो लोगों को पता है भगवान राम का एग्जाम्पल, लेकिन एक्चुअल रियलिटी है कोर्ट कचहरी में ना जाए, पैसा बचाए अपना, बेकार में पैसे भी बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हो गए, इज द रियल आंसर। बाकी पर्सनैलिटीज आपकी अगर वैसी है तो योर आंसर्स आर ऑल्सो करेक्ट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द 10th क्वेश्चन। आज आपकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, सभी दोस्त आपसे पार्टी मांग रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, दोस्त लोग जहां बोलेंगे वहां पार्टी दूंगा, लेकिन अपने बजट के हिसाब से। ऑप्शन सी, मैं पार्टी दूंगा और फिर उनकी बारी का इंतजार करूंगा। ऑप्शन डी, पैसों को पार्टी में ना लगाते हुए मंदिर में दान करूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइप करिए आंसर फास्ट फास्ट फास्ट। सो क्या करते हम जनरली, देखिए सबसे ज्यादा पैसा आपका यहां पर वेस्ट होता है, चाहे आपकी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपके बच्चों की हो, आपके घर में मैरिज हो, क्या किया आप लोगों ने? इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है
लोग सोचते ही नहीं है, इमोशंस में आके अपना पैसा सच में बर्बाद करते हैं। वो तो भला वो लॉकडाउन आया है, लोगों ने 50 लोगों की शादी का कल्चर अपनाया है, अदरवाइज 500 लोग, 1000 लोग, 3000 लोग, सबसे बड़ा लोन कर्जा लेते, लोन बैंक भी लोन देने को रेडी, यस, और लोगों ने लाखों रुपए खर्चा किए, 25 लाख की शादी, 30 लाख की, 15 लाख की, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। कैसे बनेंगे अमीर, क्या होगा आपकी आने वाले जनरेशन का, असेट्स है क्या ये? ये बैड नहीं, वर्स्ट लाइबिलिटीज है ये, सबसे बेकार। यस, कितने लोगों ने ये काम किया है ऑलरेडी, कि आपकी फैमिली में हुआ है ये? हाथ ऊपर मत करिए, लेकिन सोचिए आने वाले समय में, सोचिए जिनकी शादी है ना उनको फॉरेन टूर पे भेज दो भाई, वहां पर पैसा लगाइए, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट हो, वो कपल जिसमें खुश रहे वो काम पे पैसा लगना चाहिए। दुनिया की शादी नहीं है, उनकी शादी है, आपके बच्चे का बर्थडे है, वो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए वो देखिए। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, दोस्त लोग रिलेटिव्स तो बोलेंगे पार्टी होना, आप देखो अपने स्पाउस को कैसे खुश कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो मनी डिसीजंस हमें बनाते और बिगाड़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मूविंग फॉरवर्ड। दिवाली का समय आने वाला है, यस, बरसात तो चालू हो चुकी है। सो दिवाली का समय आ रहा है, घर के सभी लोग बोल रहे हैं आपको कि पूरा घर में पेंटिंग करवाने के लिए, लेकिन लास्ट ईयर ही आपने पेंटिंग करवाई थी और अभी घर अच्छा ही दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? यस, दिवाली का समय, घर में पेंटिंग करने के लिए पूरे घर के लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपने लास्ट ईयर ही पेंटिंग कराई थी और घर बढ़िया दिख रहा है ऑलरेडी, तो ऑप्शन ए क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए इज घर वालों के हिसाब से घर में पेंटिंग करवा दूंगा, झंझट छूटे, घर वाले जो बोल रहे हैं। ऑप्शन बी, पहले बजट देखूंगा, फिर अगर हुआ तो करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। ऑप्शन सी, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, पहले कपड़े शॉपिंग परचेस करेंगे, कपड़े खरीदेंगे। यस, ऑप्शन डी, भगवान की जो मर्जी है वो ही करेंगे। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। I don't want the correct answer, I want the real answer. आपका जो real answer है, जो आपने अभी तक किया है, मुझे वो चाहिए। जब घर वाले force करते हैं ना, सिर्फ घर को paint करने की बात नहीं है, नए फर्नीचर के लिए, नए कपड़े के लिए, तो हम घुटने टेक देते हैं। हमारे अंदर में उतना कन्विंसिंग पावर नहीं है, सही तरीके से हम कन्विंस करें, या तो बच्चों को, फैमिली को डांट देते हैं, या तो उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो प्रॉपर मनी डिसीजंस आप तब ले पाओगे जब आपकी फैमिली को भी मनी मैनेजमेंट समझ में आए। तो फैमिली को लेकर बैठिए मनी मैनेजमेंट के सेशंस के अंदर में, केबीसी के अंदर में, क्योंकि आपके बोलने पे नहीं समझे गए। और बहुत सारे लाइफ में हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि नहीं मानती हमारी फैमिली, हमारा स्पाउस, हमारे बच्चे, और हमको खर्चे करने पड़ते हैं, जबकि उनको मनी मैनेजमेंट अगर आप सिखाओगे कि कहाँ पे खर्चा कितना करना कितना नहीं करना, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं हो पाएगा। यस, सेवन जार टेक्निक है जो मैंने सीखी थी टी हार्विकर के लाइफ प्रोग्राम में, बहुत शानदार टेक्निक है। लेकिन लोग सुन तो लेते, समझ तो लेते उस टेक्निक को, इंप्लीमेंट करना अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। मेरे कुछ साथ के लोग हैं, कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए वो। यस, सो यस,
ये बात का पूरा ध्यान रखे आने वाले समय में. यस, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यस, टू द 12th क्वेश्चन. अब तक आप बहुत ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन पाए? अब तक के आप बहुत ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन पाए? एंड हियर आर द ऑप्शंस. अमीर बनने के लिए बहुत सेविंग करनी पड़ती है और मुझे खर्च करने में ही मजा आता है. ऑप्शन बी, मैं हमेशा सेविंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा. क्या बन जाओगी? ऑप्शन सी, अमीर बनने के लिए पैसों का रिस्क लेना होता है और मैं रिस्क कभी नहीं लेता हूँ, नहीं लेती हूँ. ऑप्शन डी, क्योंकि मेरे किस्मत ने साथ नहीं दिया और न ही अमीर घर में मैं पैदा हुआ हूँ. यस, सो हियर आर द ऑप्शंस. अब तक आप बहुत ज्यादा अमीर क्यों नहीं बन पाए, देखिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग रियल आंसर्स मुझे चाहिए, करेक्ट आंसर नहीं चाहिए. आई रिपीट, आई वॉन्ट योर रियल आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर. और आपको आंसर अपने आप को देना है, किसी और को नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, so lots of answers are here. Yes, किसी का D है, किसी का C है, किसी का B है, किसी का A है. Lots of answers are here in this question. आपका आंसर क्या बदलना चाहते हैं आने वाले समय में? उसके लिए रेडी रहिए. हो सकता है आपका जो आंसर है वो आप समझ पा रहे हो कि भाई आंसर मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी प्रोग्रामिंग माइंड की, अपने मनी बिहेवियर्स को बदलना पड़ेगा, अपने मनी एक्सेस को बदलना पड़ेगा. सिर्फ मनी थॉट से कुछ नहीं होगा. यस, थॉट के बाद में मनी की फीलिंग्स को बदलना पड़ेगा, मनी के ऊपर में स्ट्रेटजीज हमको डिजाइन करनी पड़ेगी, मनी एक्सेस को बदलना पड़ेगा, तब रिजल्ट आपके फेवर में आने स्टार्ट हो पाएगी. हमको TFAR फॉर्मूला के आगे प्रोग्रामिंग लगाना पड़ेगा. सो कितने लोग प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है? कितने लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे प्रोग्रामिंग के ऊपर में हम काम करें, हमारे एक्चुअल में मनी माइंडसेट को हम अच्छे से सेट कर पाए? यस, प्रॉपर वे में अलाइन कर पाए, क्योंकि रियलिटी तो यही है दोस्तों. यस, अभी और कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस मैं लेकर आने वाला हूँ आने वाले टाइम में, आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है ना. सो उसके लिए थोड़ा समय है अभी, बिकॉज मनी मैनेजमेंट पहले मैं देख लूँ, समझ लूँ कितने लोग बहुत अच्छे तरीके से रेडी है. मुझे एक दो हफ्ता लगेगा उसके लिए, उसके बाद ही मैं उसके सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. कितने लोग चाहते हैं ये टॉपिक के ऊपर में हम काम करें? बिकॉज ऑलरेडी 9:15 बज चुका है और ये 8 बजे से 9 बजे रहेगा. 9 से 11 पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा, हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बिजनेस को ट्रेनिंग कोचिंग के बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर में ही काम होगा 9 से 11, और कुछ भी नहीं उसके अलावा. यस, सो 8 से 9 का जो समय रहेगा दैट विल बी फॉर फन विथ योर फैमिली. फैमिली के साथ में लर्निंग एंजॉय करोगे आप, और उसके बाद में 9 से 11 टोटली हमारा ट्रेनर्स गुरुकुल चलने वाला है. क्या क्लियर है आप सभी को? यस, सो कितने लोग अभी समझ पा रहे हैं कि सच में हमारी माइंड की कंडीशनिंग प्रॉपर वे में, जाने अनजाने में जो भी रीजंस थे, प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है, जो कि प्रॉपर होना बहुत जरूरी है? जल्दी से टाइप करके बताइए फास्ट. ओके,
So yes, now you are not my participants. Yes, you all are trainers and speakers and coaches. You are our family members. So ये concept है KBC का. ऐसे unique concept आप अपने खुद के training में लेकर अगर आना चाहते हैं, yes, कितने लोग ready है और चाहते कि ऐसे concept वो भी लेकर आए, hand raise करिए. Yes. So, आने वाले समय में आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है. सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम काम करें, हम इनवाइट करें लोगों को 8 बजे से 9 बजे के बीच में. ये प्रोग्राम रहेगा 8 बजे से 9 बजे के बीच में. कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में? कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी आपका फैमिली फ्रेंड, कोई भी आ सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको बताओ अच्छे तरीके से कि भाई एक सीरियस प्रोग्राम है. ऑफ कोर्स इसमें फन रहेगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. मनी मैनेजमेंट के ऊपर में ये पूरा डिजाइन किया जा रहा है. ये जनरल नॉलेज के ऊपर में नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल केबीसी होता है अमिताभ बच्चन का, वैसा नहीं रहेगा. ये क्लियर कट रहेगा हम फाइनेंशियल एजुकेशन के तरफ में आगे बढ़ पाए उसके लिए. यस, और 1 घंटा इज मोर देन सफिशियंट. इससे ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे. आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, 10-15 मिनट, लेकिन आने वाले समय में परफेक्टली 8 to 9 PM रहेगा. कल के दिन भी रहने वाला है 8 to 9 PM. और कल आप लिंक मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन फॉरवर्ड द लिंक टू ईच एंड एवरीवन जिसको आप बुलाना चाहते हो. लेकिन जिसको भी बुला रहे हो उसको पहले बताओ, समझाओ, यस, क्लियर करो, फोन करके करो, जैसे आपको करना है वैसे करो. लेकिन वो आके यहाँ पे गलत कमेंट नहीं करे, कुछ भी मजाक मस्ती नहीं करे, ये बात का ध्यान रखिएगा. और ये ऑडियंस आपके लिए बिल्ड कर रहा हूँ मैं. यस, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. नाउ हियर अवर केबीसी क्वेश्चंस. एंड बिकॉज समय हो चुका है, कल मिलेंगे हम 8 से 9 ठीक फिर से केबीसी में. मिलते हैं कल इवनिंग में 8 बजे. टिल देन थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.